नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्विटर के रीवेरिफिकेशन के बारे में। तो गाइस, जो ब्लू टिक है नरेंद्र मोदी जी का भी रीवेरिफिकेशन होगा। तो गाइस, उनका रीवेरिफिकेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, ऊपर से उनका सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बना हुआ है जिसपे कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है। तो उनका वैसे ही बिना रीवेरिफिकेशन करे ब्लू टिक रहेगा। लेकिन गाइस, ट्विटर की तरफ से जो न्यूज आई है वो ये आई है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट पकड़े अभी रिसेंटली, जब से उन्होंने ये बात करें भारत सरकार के अंदर में गया है ट्विटर। मतलब उस काम ट्विटर ही कर रही है अब भी, और मतलब हेडक्वार्टर इंडिया में बना दिया है लेकिन भारी काम होता है, बाहर से ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन कोई सेंसिटिव टॉपिक है तो उसके ऊपर केंद्र सरकार बिना पूछे एक्शन ले सकती है, तो मेन टारगेट वो था। तो ये री वेरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया केंद्र सरकार से, आप ये सोचें कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्विटर की खुद की अपनी इंटेल है जो कि बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट पकड़े गए जिन्हें ब्लू टिक दे दिया था, बाद में मालूम चला कि ये फेक अकाउंट है, तो कंटिन्यू निकलते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए हम दोबारा से रीवेरिफिकेशन स्टार्ट किया लेकिन न्यू टेक्निक से किया है। और रीवेरिफिकेशन ये नहीं है कि ट्विटर ही कर रहा है, हर कोई रीवेरिफिकेशन के लिए भेजता है ज्यादातर अकाउंट, और वहां पर आप रीवेरिफिकेशन फेल हो जाते तो आपका ब्लू टिक हट जाएगा। जैसे कि प्रणब मुखर्जी की बात करें, देश के प्रेसिडेंट रह चुके थे और कोरोना के दौरान वो एक्सपायर हो गए, तो उनका अकाउंट 6 महीने तक एक्टिव नहीं हुआ था, उनके बच्चे नहीं चला रहे होंगे, तो उनका ब्लूटूथ हटा दिया। तो भारत सरकार ने इंटरफियर किया था कि आपने ऐसा कैसे किया। तो गाइस, उनकी जो पॉलिसी है वो सभी के लिए, जैसे कि बात करूं मैं व्हाट्सएप की, तो वहां पे आप जो देखते हैं कि 3 महीने तक आप अपना नंबर हटा लें और इंस्टॉल ना करें व्हाट्सएप को, तो ऑटोमेटिकली कि आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए ऑटोमेटिकली लेफ्ट कर जाते हैं। गाइस, ये मेरा खुद का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने 6 महीने तक, मतलब 17 महीने तक मैंने व्हाट्सएप फेसबुक कुछ यूज नहीं किया। फेसबुक डिलीट नहीं हुई मगर उन्होंने वेरिफिकेशन मांगा था, तो वहां पे मैंने आधार का वेरिफिकेशन दे दिया था। लेकिन गाइस, ज्यादातर बात करूं जो अच्छे सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आधार कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड सिर्फ फेसबुक पे ही देखा मैंने, बाकी किसी सोशल मीडिया पे आधार कार्ड नहीं मांगते। लेकिन ट्विटर मुझे लगता है कि कोई और टेक्निक लेके आएगा रीवेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहां पे ब्लू टिक देने के मतलब पहले वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, बाद में मालूम चल रहा है कि ये फेक अकाउंट है, तो उस चीज को कैसे रिकवर करेगा ट्विटर, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन आपका ब्लू टिक है और आप स्टेबल रहना चाहते हैं तो गाइस न्यूज पे कंटिन्यू रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि रिलेटेड टू कोई भी इन्फो होती है तो मैं आपके पास जरूर लेके आता हूँ। तो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।